हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मेरा ऑरेंज कलर का गुलेशिमा, गुलेबाश या गुलामास कुछ भी कह सकते हैं, फोर ओ क्लॉक भी कहते हैं इसे। तो इसमें फ्लावरिंग खूब स्टार्ट हो गई है, अच्छे से काफ़ी ब्रांचेस भी निकली हैं। ये देखो, ये है काफ़ी बड़ी ब्रांचेस निकली। इसी में चित्रक भी लगा हुआ है, इसी में ये भी लगा है। दोनों को गर्मी पसंद है, दोनों को ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, तो दोनों को एक ही जैसा नेचर है, तो मैंने इसी में लगा दिया था। और खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और इसकी क्या केयर करनी है? कुछ नहीं करनी, बस इसमें पानी डालते रहो टाइम टू टाइम, और खाद डालते रहो, लिक्विड फर्टिलाइजर। अभी बारिश की वजह से तो वो भी नहीं पड़ रहा है, नाइट्रोजन वैसे ही मिल रही है बारिश की वजह से। मौसम अभी भी ऐसा ही है, देखिए आप, काफ़ी मौसम हो रहा है, धूप नहीं निकलेगी आज भी मुझे लग रहा है। और बहुत ढेर सारे फूल निकल रहे हैं, और इन्हें कम पानी चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प जो होती है इसमें थोड़ा सा पानी जैसा भरा हुआ होता है, मोटी मोटी स्टैम्प होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ब्रांच। और ये 4 बजे खिलते हैं फूल, इसलिए ये 4 o'clock है। और आज मैं जल्दी आ गई थी, तो अभी खिले हुए मिल गए, थोड़ी देर में ये बंद होने वाले हैं, तो इनके फूल नहीं दिखेंगे मुझे, तो इसलिए मैंने फटाफट इसका वीडियो बना लिया। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं। और इसमें देखो कितनी ढेरों बर्ड्स आई हुई हैं, ढेरों बर्ड्स आई हुई हैं इसमें, पिंक, येलो, ऑरेंज। येलो मेरी मम्मी की आया, तो मैं वहाँ से ले आऊँगी। और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल, देखिए, और काफ़ी क्वांटिटी में फूल आते हैं। और इसमें एक दो सीड्स भी बनने लगे, ये देखिए, ये सीड्स बन गए हैं। ये एक आध ही बना है अभी, वो भी इनमेच्योर ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। ये देखिए, खूब अच्छा सीड नहीं बना है ये, मगर फिर भी मैं इसे रख लेती हूँ। एक दो और हैं, तो इन्हें मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि ये फिर गिर जाएंगे। एक ये निकला है सीड्स, ये है, ये देखिए, ये भी इनमेच्योर ही, अभी गिर ही जाता है। अभी पता नहीं क्यों सीड मैच्योर नहीं हो रहे हैं, अच्छे नहीं निकल रहे हैं सीड। चलो खैर, जब बनेंगे तो देखती हूँ मैं। और ये काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत ढेर सारे फूल आ रहे हैं। और केयर क्या है? पानी कम डालना है, धूप में रखना है, मई जून की धूप से बचाना है, और सर्दियों की फोक से बचाना है, जैसे कोहरा वगैरह पड़े तो उससे ही बचाना है इन्हें। बहुत अच्छे से चलते हैं ये, और इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर, और नए गार्डनर तो स्पेशली इसे खूब आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इसे लगाइए अपने गार्डन में, खूब ढेरों फूल पाइएगा इससे, और पहचान भी कर लीजिएगा। ये ट्रम्पेट वाइन की तरह होते हैं, घंटी की तरह, ये इस तरह से। और बारिश के पानी पड़ता है तो ये फूल थोड़े ख़राब हो जाते हैं, यही नहीं, सभी फूल ख़राब हो जाते हैं बारिश के पानी से, वैसे तो बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये देखिए, स्पाइडर कितनी आराम से फैली हुई है, ये देख रहे हैं आप। ये तो मेरे गार्डन में एक तरह से बिल्कुल नेचुरल जैसा एडवेंचर मिलता है इन कीट पतंगों को, तो काफ़ी है क्वान्टिटी में मेरे गार्डन में चारों तरफ है, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं छिड़कती हूँ, कीटनाशक नहीं छिड़कती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारे मेरे गार्डन में मिल जाएंगे आपको जगह जगह कीट। तो केयर कीजिए, बहुत अच्छे फूल देते हैं, बस आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए। जब भी 2-3 दिन धूप नहीं निकलती है, मतलब सॉरी, धूप बहुत तेज निकलती है, तब मिट्टी सूखने लगती है, तब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं देती। अभी तो फिलहाल सॉलिड खाद नहीं दे रही हूँ, सॉलिड खाद में थोड़े दिनों के बाद दूंगी, जब ये मौसम थोड़ा सही हो जाएगा, बारिश का मौसम कम हो जाएगा, तब मैं इसे दूंगी। और इस तरह से आप अपने गार्डन को फूलों से भर लीजिए इसे लगा के। और मिट्टी इसकी आप सैंडी रखिए, देखिए अभी बारिश हो चुकी है, अब दिख भी रहा होगा पानी पत्तों पे पड़ा हुआ है ये पानी, ये देखिए, मगर पानी इसमें रुका हुआ बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा आपको। मेरे मिट्टी तो गीली रहेगी क्योंकि बारिश हो रही है, बट हाँ, पानी आपको इसमें रुका हुआ नहीं मिलेगा। तो आप गमले में पानी रुकने मत दीजिए, धूप में रखिए, मई जून की गर्मी से बचाइए, और फोक से ही बचाइए। जब फोक पड़ता है तो भी इन दोनों को ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और पानी जब मिट्टी सूखे तभी दीजिए, पानी की कोई वो नहीं है लिमिट कि कब कैसे कहाँ देना है, मैं आपको नहीं बता सकती। जैसे अब आपके यहाँ राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, मैं वहाँ कह दूँ आप 4 दिन पानी मत दीजिए या 2 दिन पानी मत दीजिए, तो ये तो गलत होगा ना, फिर ये प्लांट सूख जाएगा। आप इस तरह से पानी देखिए, चेक कीजिए, आप इस तरह से पहले तो जान पहचान ही नहीं लेते हैं हम गार्डनर लोग कि हाँ इसमें पानी है। अगर आपकी मिट्टी सूखी लगे तब आप पानी दीजिएगा ऊपरी लेयर, ये भी नहीं कि पूरे सुखा दे, प्लांट भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, पूरा सूखने के बाद मत दीजिए। ऐसे आप ऐसे उंगली से हटाएंगे इस तरह से, तो आपकी मिट्टी गीली लगेगी,
तो पानी मत दीजिए, अगर सूखी लगे तो पानी जरूर दीजिए, इतनी अगर मिट्टी सूखी निकलती तो आप पानी दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डेली दीजिए, ये नहीं कि हाँ बहुत दिन हो गए पानी ना दे तो आपका प्लांट मर भी सकता है फिर ड्राइनेस से। और एक्सेस वाटर भी नहीं जाना चाहिए, मिट्टी गीली हो तो पानी मत दीजिए और सूखी हो तो पानी दे दीजिए। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।